रामटेक एक प्राचीन शहर है और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों से पवित्र हुई है। इस भूमि के लिए राज्य सरकार ने बजट में 211 करोड़ की मंजूरी दी है, जिससे विधायक आशीष जायसवाल का अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि रामटेक के विधायक आशीष जायसवाल के प्रयत्न से यह नीति मंजूर हुई है। रामटेक शहर का सौंदर्यीकरण, गढ़ मंदिर में आकर्षक बिजली व्यवस्था, गढ़ मंदिर में शॉपिंग मॉल, अम्बाला में शॉपिंग मॉल, बिजली व्यवस्था, नारायण पहाड़ी का विकास, कालिदास स्मारक का विकास, राखी झील का विकास, रामटेक शहर का विकास, रामटेक शहर को सुंदर बनाने के लिए, रामटेक की सूरत बदलने के लिए वास्तु शास्त्र के माध्यम से योजना बनाई गई और निर्माण कार्य करते हुए रामटेक की विरासत और निर्माण योजना को राज्य संरक्षित स्मारक के अनुरूप में बनाया गया और अयोध्या के तर्ज पर रामटेक की विकास योजना तैयार की गई। यह योजना रामटेक विकास की बुनियादी जरूरतों का अध्ययन करने के बाद बनाई गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधायक आशीष जायसवाल के साथ गढ़ मंदिर गए और सभी परिसरों का निरीक्षण किया। रामटेक के नेहरू मैदान में दोनों ने ये फंड उपलब्ध कराने का वादा किया था। विधायक आशीष जायसवाल ने इन कार्यों को बजट में शामिल करने के लिए मंत्रालय में हर स्तर पर फॉलोअप किया और जिला समिति के अनुमोदन के साथ राज्य समिति को प्रस्तुत किया और उनके प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। रामटेक के विकास के लिए पहले ही कई परियोजनाएं शुरू की जा चुकी है, कई कार्य प्रगति पर है। पिछले एक वर्ष में लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए के कार्य अतिरिक्त स्वीकृत किए गए हैं। इस बजट में पहली बार 211 करोड़ रुपए की निधि की विकास योजना स्वीकृत होने पर कई लोगों ने विधायक आशीष जायसवाल को बधाई दी है। आध्यात्मिक गुरु तथा समाज सुधारक बाबा जुमदेव जी यांना पावड दौना तालुका मौदा जिल्हा नागपूर येथील स्मारकासाठी 77 कोटी रुपये रकमेचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे। नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक हे प्रभू रामचंद्राच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले तीर्थक्षेत्र, रामटेक विकास आराखड्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 150 कोटी रुपयाच्या कामांना मान्यता देण्यात आली असून ही कामे प्रगतीपथावर आहे। आता दुसऱ्या टप्प्यातील 211 कोटी रुपयांची कामे देखील हाती घेण्यात येणार आहेत। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।